बकरीद पर्व को लेकर प्रशासन की रहेगी सख्त नजर। फलोद थाना में शांति समिति की बैठक में दिए गए कई निर्देश। फलोद चौसा से एमपी न्यूज लाइव के लिए शंशा केफ की इस वक्त की खास रिपोर्ट। फलोद थाना परिसर में बकरीद पर्व को देखते हुए शनिवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग शामिल हुए। बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी SJ हसन ने जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोगों से बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और भाईचारे के माहौल में मनाने की अपील की। इस दौरान अनुमंडल पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार ने कहा कि थाना क्षेत्र के सभी संवेदनशील जगहों पर बकरीद पर्व को लेकर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। पूरे क्षेत्र में पुलिस गश्त भी जारी रहेगी। असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जाएगी। ऐसे में कहीं पर भी कोई अफवाह फैले तो तुरंत सूचना प्रशासन को दें। अनुमंडल पदाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों को कहा कि पर्व से एक दिन पहले से ही साफ सफाई की व्यवस्था कर देनी है। सोशल मीडिया पर कुर्बानी की तस्वीरें लेकर शेयर करने वालों के ऊपर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि आगामी 17 जून को बकरीद का त्यौहार है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन से लेकर पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं ताकि आपसी सौहार्द बना रहे। यह बैठक अनुमंडल पदाधिकारी पुलिस अध्यक्ष अविनाश कुमार व अनुमंडल पदाधिकारी SJ हसन की अध्यक्षता में की गई है। इस मौके पर फलोद थाना अध्यक्ष शिशुपाल रामदास, चौसा के अंचलाधिकारी शशिकांत यादव, मजार इमाम मोहम्मद नजीर आलम, पूर्व मुखिया गणेश पंडित, मुखिया बबलू ऋषिदेव, मुखिया विनोद कुमार, भारतीय जिला परिषद अनिकेत कुमार मेहता, मकसूद ठेकेदार मुन्ना यादव, संतोष शर्मा समिति, सुभाष यादव सरपंच, सुभाष यादव सहित सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद थे।